जनपद संभल के चंदौसी में आईपीएल पर सट्टेबाजी का एक बार फिर बड़ा खुलासा। पुलिस ने खाली पड़े मकान में सट्टेबाजी करते 16 आरोपियों के पास से कुल 44,000 रुपये, 11 मोबाइल, सट्टा पर्ची तथा कैलकुलेटर भी बरामद किए हैं। हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा व अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार जायसवाल के कुशल नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी चंदौसी आलोक सिद्धू के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली कि चंदौसी में दो अलग अलग जगह पर सट्टा चल रहा है। चंदौसी कोतवाली पुलिस ने काशीराम आवास योजना मोहल्ला हाता में खाली पड़े कार्डर में सट्टा खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेला ग्राउंड में खाली पड़े एक मकान राज मोहल्ला में छापा मारकर पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने पुलिस के गुड वर्क का खुलासा करते हुए बताया कि सटोरियों के पास से कुल 44,000 रुपये, 11 मोबाइल, सट्टा पर्ची तथा कैलकुलेटर भी बरामद हुआ है तथा सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही भी की जाएगी। आईपीएल में अवैध सट्टा लगाने वालों के खिलाफ इस समय जनपद संभल द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस व एसओजी की टीम के द्वारा कल चंदौसी में काशीराम आवास योजना के पास में खाली पड़े हाते में छापा मारा गया, जहां से कुल 16 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 44,000 रुपये के करीब नकद, साथ में 5 मोबाइल, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य इस तरह की सामग्री प्राप्त हुई, जिससे कि यह पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। इन सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने के पश्चात। इनके विरुद्ध भविष्य में गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि कौन लोग हैं जो इस तरह के कारोबार में इन लोगों को लगाए हुए हैं। धन्यवाद।